विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री, छोटे संदेश गहरे संकेत। ये गलत धारणा मत रखना कि मन वश में है यानी शांत बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। मन वश में का अर्थ समझना, मन चंचल है, मन भागता है, दौड़ता है, ये उसका गुण है। बच्चा कैसे चंचल होता है, दौड़ता है, कूदता है, नाचता है, हंसता है, खिलखिलाता है। अब ये बच्चा जब बाहर कुछ देखता है और वो प्रभावित हो जाता है, बाहर कुछ डीएस देखता है, दिखावटी सत्य, डीएस दिखावटी सत्य देखता है और विचलित हो जाता है। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मैं भी यही करूँगा, रोज नई बातें देख कर आता है, घर में उद्दम मचाता है। तो जो मन दिखावटी सत्य में फंस जाता है वो वश में नहीं है, वो आपको परेशान करता है। वरना यही मन रचनात्मकता बढ़ाकर आपके लिए परम आनंद का कारण ला सकता है, अगर वह डीएस में नहीं फंसता। डीएस यानी दिखावटी सत्य, ये बुराई नहीं है मगर सच्चाई भी नहीं है। डीएस यानी क्या, बाहर जो आप देखते हो और उसे सत्य मानते हो वो सच्चाई नहीं है, वह परछाई है। परछाई को देखकर आप इच्छा करोगे तो वो इच्छा आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगी। जैसे हल्का अंधेरा है, वहाँ आपको रस्सी में सांप दिखा, लगा उधर सांप है, तो आपके अंदर कौन सी कामना जगेगी, कौन सी इच्छा जगेगी, लाठी चाहिए। क्या इच्छा जगेगी, लाठी चाहिए, कहीं सांप मुझे डस न ले, इसको मैं दूर कर सकूं, इसे मैं मार सकूं, कामना जग गई। अब उस कामना के लिए हम यत्न करेंगे, मगर हकीकत में कौन सी कामना आनी चाहिए थी, हकीकत में आपके हृदय से, अंदर के मार्गदर्शन से कौन सी कामना जगनी चाहिए थी, मुझे लाठी नहीं टॉर्च चाहिए, मुझे लाठी नहीं टॉर्च चाहिए ताकि मैं सच्चाई देख सकूं। सच्चाई देखूं तो जो ज़रूरी है वही कामना अंदर जगेगी और वो कामना दुख का कारण नहीं बनेगी। वरना इंसान जितनी भी कामनाएं जगाता है अंत में क्या पाता है, कामनाओं को पूरा करके भी दुखी मिला और पूरी नहीं हुई तो भी दुखी मिला, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। तो समझ यहाँ क्या रखनी है कि हम डीएस में मन को प्रभावित होने देते हैं जब, तब वो वश में नहीं है, उसको डल बनाना नहीं है। लोगों ने आध्यात्मिक अर्थ गलत पकड़ लिया, मन को डल बनाओ, बुद्धू बनाओ, बुद्धू मत बनाओ, बुद्ध बनाओ, उसको बुद्धू नहीं बनाना है। वो तो ताकत रखता है मगर वश में नहीं है, यानी कि वो कुछ देख लेता है, डर जाता है, फंस जाता है। उसे ज्ञान मिले, उसे भक्ति मिले, उसे ध्यान मिले, तो यही मन जो इतनी बड़ी ताकत रखता है आपके लिए निमित्त बनेगा सारी खुशियाँ दिलाने के लिए। तो मन को वश में करने के लिए रिंग मास्टर क्या करता है, जानवरों को वश में करने के लिए तो लाठी की आवश्यकता है, अंदर के मन को ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है।
सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।